नाश्ता जो हम करने हैं वो है जी लिबड़े नान। जो सालन खा के प्रॉपर मजा आ रहा है आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज अहमद इजाद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल फिट फाट ठीक ठाक। अच्छा यार, आज हम एक जगह से नाश्ता करने आए हैं और डी ग्राउंड फैसलाबाद में इस वक्त हम खड़े हैं। नाश्ता जो हम करने हैं वो है जी लिबड़े नान। वही से कहते हैं लिबड़े नान, आई थिंक इसका यही नाम है, लिबड़े नान। और इनके मशहूर हैं चना फ्राई और लिबड़े नान एंड हलीम फ्राई। अंडा कोफ्ते भी हैं और इसके अलावा जो इनके पास जो इनका मेन्यू वो है सब कुछ। तो आज हम एक जगह इनके पास नाश्ता ट्राई करने आए हैं, तो अभी आपको नाश्ता दिखाते हैं और इधर दिखाते हैं क्या सीन चल रहे हैं और कैसे का इनका टेस्ट है और ये नान को क्या क्या करके देते हैं। ये मतलब इनके पास एक मसाला टाइप है और जो ये बना लेते हैं चनों का और जो भी दूसरा, उसके ऊपर नान को मतलब ऐसे रख के फ्राई आपको करके तो थोड़ा बहुत दे देते हैं। अभी हम भी ट्राई करते हैं क्या इधर सीन है। तो आप लोगों को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड फिर देखते हैं। सो स्टे ट्यून। फाइनली हम भाई के पास आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। अच्छा भाई, आप कितनी देर से लगा रहे हैं? तकरीबन हमें हो गए 20-25 साल हो गए इसी काम में। 20-25 साल हो गए। तो अब आपने क्या लगाने लगे हैं? अब इस टाइम बनाने लगे हैं हलीम चने मिक्स अंडा। आपके सबसे ज़्यादा मशहूर क्या है? हमारे जो सबसे ज़्यादा मशहूर है लिबड़े नान होते हैं और हलीम चने मिक्स अंडा होता है। हलीम चने मिक्स अंडा और लिबड़े नान होते हैं, ठीक हो गया। तो आप लगाएं, फिर हम आपको साथ साथ देखते हैं। आप बताई जाएगा साथ साथ आप क्या क्या डाल रहे हैं। ये फ्राई के लिए इसमें हमने डाला है धनिया है, प्याज है, अदरक है, टमाटर है, हरी मिर्च है। ये आपने अचार डाला है? जी अचार का तड़का लगाया है। इसमें हम ये डालने लगे हैं अदरक। इसमें हलीम डाला है? हलीम डाला है इसमें। अब ये चने डालने लगे हैं इसमें और ये हो गया हलीम चने मिक्स। अब ये जो बीच में डाला है इसके अंडा डाल दिया है। इसके बाद हम अंडों को बीच में इसके मिक्स कर देंगे। रेसिपी तैयार हो गई है हमारी मिक्स अंडे की, हलीम चने मिक्स और अंडा। अच्छा यार, फाइनली अब हमारे पास आ चुके हैं ये लिबड़े हुए नान और ये साथ चना और हलीम फ्राई। ऐसे ही है ना, चना और हलीम फ्राई हमारे पास आ चुके हैं। सबसे पहले तो ये नान जो इन्होंने हमें दिए हैं। अच्छा, ये जो मतलब ऊपर जो इन्होंने मसाला और साल टाइप बनाया हुआ था ना, उसमें मतलब ये नानों को हमें करके दे दिया था इन्होंने। ऑनेस्टली बताऊँ तो नानों में मतलब ऐसा कोई वो नहीं मुझे आ रहा कि मतलब जो बहुत स्पेशल हो, मतलब लाइक ऐसे ही लग रहा है कि आपने कुछ सालन है और नान के ऊपर लगा के खा रहे हैं, ऐसे होकर डिफरेंट है कुछ वैसा नहीं है, मतलब नॉर्मल टाइप ही लग रहा है मुझे। उसके बाद ये चना फ्राई है, चना और हलीम फ्राई। इसे जो है ना इसके साथ लगा कर ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है ये। मज़ेदार। अच्छा, ये जो था ना, ये जो सालन है इनका, ये जो हलीम, एक इनका मेरे ख्याल से चना फ्राई एक हलीम फ्राई है, और एक इनका हलीम चना फ्राई जिसमें वो अंडा भी मिक्स करके देते हैं। हमने वो वाला लगवाया जिसमें हलीम चना फ्राई है। बाय द वे हम अभी वो कह ही रहे थे, उन्होंने खुद ही लगा दिया, मुझे पता नहीं लगा था, मैंने कहा चलो ठीक है। अब जो सालन है ना वो लिटरली बहुत मज़े का है, मतलब जो सालन खा के प्रॉपर मज़ा आ रहा है आपको।
अच्छा यार, अब हमने इनके मंगवा लिए हैं सादा चने। सादा चने मतलब एक चने हैं, उसके ऊपर मसाला और तरी वगैरह डाल के दिया है। वो पहले थे हलीम, चना, मिक्स, अंडा डाल के, ये अब सादा है, इसको ट्राई करते हैं। ये भी चने हैं, मतलब जो नॉर्मल चने हैं, मतलब वही वाली फील आई है। ये जो चने थे ना, ये वाले चने जो थे ना, ये थोड़ा थोड़े स्पाइसी थे और अंडा भी था, एक बड़ा मतलब मज़े के फील थे। ये चने जो है ना मज़े के, ये भी ऐसा नहीं कि ये नहीं मज़े के हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये नॉर्मल नहीं है। ये चने भी मज़े के हैं, लेकिन ये जो चने हैं ये आप कह सकते हैं कि जो नॉर्मल चने आप कहीं से भी खाते हैं वो आप खा सकते हैं। इन चनों के लिए आपको ट्रैवल करके इधर आने की ज़रूरत नहीं है, चने आप कहीं से भी खा सकते हैं। वो जो थे ना हलीम, चना, मिक्स, वो एक बड़ी मज़े की चीज़ थी। और जो लिबड़े बनाना, ये भी वैसे तो है तो मज़े का ये भी, लेकिन मतलब एक वही फील आती है कि जो आप अगर वो मतलब घर में वो नहीं होता, अगर कई लोग घर में सालन ऊपर डाल के खा लेते डैडी डेट, मतलब वही चीज़ है ये। उसको उन्होंने ज़रा थोड़ा कमर्शियल लेवल पर ला कर सेल करना शुरू कर दिया है और वो उनका सेल हो रहा है जिस तरह भी। लेकिन नान भी वैसे अच्छे हैं, हर चीज़ मतलब ओवरऑल देखी जाए तो अच्छी थी मतलब इनकी। अच्छा, इसके अलावा तकरीबन हमारा ख़त्म हो गया नाश्ता, और बस आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, कुछ नहीं तो होगा जाना सब्सक्राइब करने में, और वीडियो को लाइक कर देना। मुझे बताओ कि नेक्स्ट क्या मैं ऐसे फूड ब्लॉगिंग ज़्यादा करूँ या मतलब ऐसे काम भी रहने दूँ। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।